एक मैं तब रिपीट करता हूँ, मैं जस्ट शॉर्ट के अंदर, शॉर्ट में, ठीक है। अभी हम लर्न कर रहे हैं एयर कॉम्प्रेसर के बारे में, ठीक है। व्हाट इज द एयर कॉम्प्रेसर? एयर कॉम्प्रेसर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कॉम्प्रेस द एयर। एयर को कॉम्प्रेस करने के लिए हम एयर कॉम्प्रेसर यूज करते हैं। अभी आपके सामने जो एयर कॉम्प्रेसर दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है? दिस इज द रेसिप्रोकेटिंग एयर कॉम्प्रेसर, ठीक है। नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग एयर कॉम्प्रेसर? रेसिप्रोकेटिंग एयर कॉम्प्रेसर के कंपोनेंट देखो। सबसे पहले तो मेन टैंक रहेगा, जिसके अंदर एयर हमारी स्टोर रहेगी, कॉम्प्रेस एयर स्टोर रहेगी। एक रहेगा क्रैंक केस, जो कि ऑपरेट करता है सिलेंडर और पिस्टन को। इसके ऊपर सिलेंडर और पिस्टन कनेक्टेड रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिलेंडर पिस्टन, ये रहेगा आपका क्रैंक केस। देन इसको मूव करने के लिए यहाँ का जो क्रैंकशाफ्ट रहेगा, इसको रोटेट करने के लिए हम यूज करते हैं मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। तो इस इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से क्रैंक केस यहाँ पर रोटेट होता है, ठीक है। अब जब एयर पिस्टन जब हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तब एयर सक करेगा, एयर जो सक होगी हमारी, वो आएगी हमारी इनलेट फिल्टर से, ठीक है। इनलेट फिल्टर से एयर अंदर आएगी। एयर अंदर आने के बाद में पिस्टन, इसके अंदर दो ही स्ट्रोक होगा, एक होगा सक्शन स्ट्रोक। सो इन अ सक्शन स्ट्रोक एयर विल बी ड्रॉन इनसाइड द सिलेंडर, एंड इन अ कॉम्प्रेशन स्ट्रोक एयर विल बी कॉम्प्रेस्ड व्हेन द पिस्टन ट्रैवल फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर टू द टॉप डेड सेंटर। और इसको एक डिलीवरी वाल्व रहेगा, जहां से कॉम्प्रेस्ड एयर आपकी कहां पर जाएगी? डायरेक्टली इस टैंक के अंदर आएगी, ठीक है। यहाँ पर इसको, इसके अंदर जो भी एयर हमारी स्टोर हुई है, उसका प्रेशर मेजर करने के लिए हमारे पास में प्रेशर गेज कनेक्टेड रहता है इसको, और उसके साथ में एक कनेक्शन हाउस रहता है, जिसके थ्रू हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं इसको। देन प्रेशर का एक स्विच रहता है, जिसका यूज करके हम यहाँ पर प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एक नीचे के डायरेक्शन में एक नॉब लगाया रहता, हम उसको बोलते हैं वाटर टैंक ड्रेन। मतलब क्या रहता है कि इसके अंदर जो स्टोर किया हुआ जो एयर है, वो कभी कभार ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर वेरिएशन। टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से वहाँ पर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होगा। तो उस वाटर को रिमूव करने के लिए यहां पर एक ड्रेन लगाया हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं वाटर टैंक ड्रेन, ठीक है। ये हो गया हमारे कंपोनेंट ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग एयर कॉम्प्रेसर, और ये सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कॉम्प्रेसर। क्यों? क्योंकि एयर हमारी सिंगल स्टेज में रेसिप्रोकेट हो रही है, ठीक है। अभी इसका जो टू स्टेज रहेगा, हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको इसके यूजेस बताता हूं कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ एयर कॉम्प्रेसर। तो एयर कॉम्प्रेसर का अगर आपको सबसे पहले तो डेफिनेशन अगर लिखना होगा, तो आप कैसा लिखोगे? एयर कॉम्प्रेसर, यहां पर देखो, इस द डेफिनेशन फॉर द एयर कॉम्प्रेसर। इट इज अ डिवाइस विच गिव्स द कॉम्प्रेस्ड एयर। क्या देता है ये? कॉम्प्रेस्ड एयर विद द हाई प्रेशर। हमारा पर्पस क्या है? टू कॉम्प्रेस द एयर विद द हाई प्रेशर इज नोन एज द कॉम्प्रेसर। तो डेफिनेशन आप इस तरह से लिखोगे, एयर कॉम्प्रेसर इज अ डिवाइस विच गिव्स द कॉम्प्रेस्ड एयर विद द हाई प्रेशर इज नोन एज एयर कॉम्प्रेसर। हम उसको क्या बोलेंगे? एयर कॉम्प्रेसर बोलेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसके यूजेस देखेंगे हम कि कहाँ कहाँ पर हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। सो यूजेस के अंदर सबसे पहला वाला यूज देखो, दिस क्वेश्चन विल बी आस्क फॉर द 4 मार्क्स एंड इट इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन इन यूर अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको देखोगे, सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यूजेस ऑफ एयर कॉम्प्रेसर के अंदर कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं? सबसे फर्स्ट नंबर का यूज देखो, क्लीनिंग द ऑटोमोबाइल एंड द वर्कशॉप। ऑटोमोबाइल और वर्कशॉप को क्लीन करने के लिए हम कॉम्प्रेसर को यूज करते हैं, दिस इज द फर्स्ट यूज। देन सेकेंड यूज देखोगे आप यहाँ पर, सो स्टार्टिंग द आईसी इंजन स्टार्ट करने के लिए जो हमारा फ्यूल पंप रहता है, वहाँ पर हम वेंट टाइप एयर कॉम्प्रेसर यूज करते हैं। जो हमारा फ्यूल पंप रहता है, तो फ्यूल पंप के अंदर वेंट टाइप एयर कॉम्प्रेसर यूज करते हैं, इस वजह से हम इसको बोले टू स्टार्टिंग द आईसी इंजन को स्टार्ट करने के लिए हम एयर कॉम्प्रेसर यूज करेंगे। देन थर्ड नंबर का यहाँ पर, स्प्रेइंग द फ्यूल इन टू द हाई स्पीड ऑफ द डीजल इंजन। सो डीजल इंजन जो रहते हैं, हाई स्पीड का जो डीजल इंजन रहते हैं, उसके अंदर फ्यूल को स्प्रे करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वहाँ पर एयर कॉम्प्रेसर यूज करते हैं, ठीक है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द यूज ऑफ ए एयर कॉम्प्रेसर। देन नेक्स्ट रहेगा स्प्रे पेंटिंग इन अ पेंट इंडस्ट्री के अंदर स्प्रे पेंटिंग के लिए हम यहाँ पर इसको यूज करते हैं। दैट इज द स्प्रे पेंटिंग के लिए जो यूज करेंगे, दैट विल बी द एयर कॉम्प्रेसर को यूज करेंगे हम स्प्रे पेंटिंग के लिए यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ब्रिजेस, रोड्स, डैम स्ट्रक्चर, सीवेज एंड द टनल्स। यहाँ पर भी ये कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर भी हम एयर कॉम्प्रेसर को यूज करते हैं, वाइल कंस्ट्रक्टिंग द ब्रिजेस, रोड्स, डैम्स, देन ये सीवेज एंड द टनल्स, ये जब कंस्ट्रक्ट करते हैं उस टाइम पे भी हम इसको यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट यूज रहेगा इसके अंदर हमारे पास में कूलिंग लार्ज बिल्डिंग्स। जो लार्ज बिल्डिंग्स जो रहती है वहाँ पर, उसको कूलिंग पर्पज के लिए हम वहाँ पर उस लार्ज बिल्डिंग को कूलिंग पर्पज के लिए हम एयर कॉम्प्रेसर को यूज़ करते हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के अंदर हम वहाँ पर जो कंप्रेसर यूज़ करते हैं उसको, वो कंप्रेसर यूज होगा हमारे फॉर द कूलिंग पर्पज, वो कूलिंग पर्पज के लिए हम उसको यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट वाला रहेगा हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, नेक्स्ट वाला रहेगा ऑपरेशन ऑफ द न्यूमेटिक ड्रिल, एयर फिल्टर, देन हैमर, ठीक है। जो अलग अलग न्यूमेटिक ड्रिल है, न्यूमेटिक एयर हैमर रहता है, ठीक है, और न्यूमेटिक एयर प्रेशर जो एयर मोटर जो रहती है, वहाँ पर भी हम क्या करते हैं? इसको यूज़ करते हैं, एयर कॉम्प्रेसर को यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वाला एप्लीकेशन रहेगा हमारा ऑल्सो फॉर द रिवेटिंग एंड टाइटनिंग द नट्स।
जो नट्स रहते हैं हमारे, ठीक है, जो नट्स रहेंगे तो उस नट्स को टाइट करने के लिए और जो रिवेट्स रहते हैं रिवेट्स को टाइट करने के लिए हम एयर कंप्रेसर का यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपने ड्रिल मशीन देखा होगा, उसी के साथ में आपने यहाँ पर टाइटनिंग मशीन देखा होगा, ठीक है, न्यूमेटिक मशीन देखा होगा, तो न्यूमेटिक मशीन के अंदर हम एयर कंप्रेसर यूज करते हैं। 9 नंबर का जो रहेगा दैट इज द सुपर चार्जिंग आईसी इंजिन, सुपर चार्जिंग द आईसी इंजिन, सुपर चार्जर के अंदर भी हम कंप्रेसर यूज करते हैं, टर्बो चार्जर के अंदर भी हम कंप्रेसर यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। सो दीज आर दी 9 एप्लीकेशन और द यूजेस ऑफ एयर कंप्रेसर। ये एयर कंप्रेसर के क्या हो गए, 9 यूजेस हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हम एयर कंप्रेसर को यूज करोगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सारे 9 पॉइंट्स लिखना है वहाँ पर, भले ही आपको क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आओ या फिर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स के लिए रहो, आपको वहाँ पर क्या करना है, इसके एप्लीकेशंस लिखना है, ठीक है, यूजेस लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर का क्लासिफिकेशन कौन कौन से है, हाउ द एयर कंप्रेसर क्लासिफाइड, ये देखना है हमको यहाँ पर। सो एयर कंप्रेसर का क्लासिफिकेशन के अंदर अगर आप देखोगे रोटरी एयर कंप्रेसर का, सो कंप्रेसर्स मे बी क्लासिफाइड एज 1 अकॉर्डिंग टू द मोशन, उसके मोशन के हिसाब से उसको हम क्लासिफाई करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द मोशन अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट वाला रहेगा रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, जो कि अभी हमने देखा, और दूसरा वाला रहेगा रोटरी एयर कंप्रेसर, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द मोशन हमने इसको कैसे डिवाइड किया, रेसिप्रोकेटिंग एंड दी रोटरी, इस तरह से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वाला रहेगा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टेजेस, ऑलरेडी हमने स्टेजेस के बारे में भी बात की है। सो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टेजेस क्या रहेगा, फर्स्ट रहेगा सिंगल स्टेज कंप्रेसर और दूसरा रहेगा मल्टी स्टेज कंप्रेसर, ठीक है। तो इस तरह से सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज कंप्रेसर रहता है। सो सिंगल स्टेज कंप्रेसर क्या रहेगा, यहाँ पर आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो, इन ए सिंगल स्टेज कंप्रेसर एज द सिंगल सिलेंडर विल बी यूज, उसके अंदर सिंगल सिलेंडर ही यूज होगा वहाँ पर, ठीक है, उसको हम सिंगल सिलेंडर कंप्रेसर बोलते हैं। इसी के साथ में मल्टी स्टेज कंप्रेसर क्या रहता, देखो यहाँ पर, इन ए मल्टी स्टेज कंप्रेसर मोर देन 1 सिलेंडर इज यूज, एक से ज्यादा अगर सिलेंडर वहाँ पर यूज किए तो हम उसको बोलते हैं मल्टी स्टेज कंप्रेसर, ठीक है, और अगर सिंगल सिलेंडर रहेगा वहाँ पर तो हम उसको बोलेंगे सिंगल स्टेज कंप्रेसर। दिस आर द अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस हम उसको इस तरह से डिवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा आपका अकॉर्डिंग टू द वर्किंग साइड ऑफ द पिस्टन, वर्किंग साइड ऑफ द पिस्टन मतलब एक रहता है आपका सिंगल एक्टिंग और दूसरा रहता है डबल एक्टिंग। सो सिंगल एक्टिंग में क्या होता है, वन साइड से एयर सक होगी, उसके दूसरे साइड से एयर डिलीवर्ड होगी, लेकिन डबल एक्टिंग के अंदर उस एक ही साइड से एयर सक होती और उसी से ही एयर डिलीवर्ड होती है यहाँ पर, ठीक है, उसको डबल एक्टिंग बोलते हैं। तो डबल एक्टिंग कंप्रेसर के अंदर दो इनलेट वाल्व रहते हैं, दो डिलीवरी, एक ही इनलेट वाल्व रहेगा, उसी से एक पिस्टन रहेगा लेकिन उसको इनलेट दो रहेंगे, एक ही साइड से इनलेट होगा और एक ही साइड से एग्जॉस्ट होगा यहाँ पर, ठीक है, मतलब डिलीवरी भी एक साइड से, उसको हम बोलते हैं सिंगल एक्टिंग एंड डबल एक्टिंग, ठीक है। इसको हम डिटेल में लर्न करेंगे, आपको अगर डेफिनेशन पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं यहाँ पर। इन अ सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर एयर इज सक्ड एंड कंप्रेस्ड ऑन अ वन साइड ऑफ द पिस्टन, एक ही साइड में सक होगी और एक ही साइड में कंप्रेस्ड होगी, हम उसको बोलेंगे सिंगल एक्टिंग। डबल एक्टिंग मतलब व्हेन अ सक्शन एंड द डिलीवरी ऑफ द एयर टेक्स प्लेस ऑन द बोथ साइड ऑफ द पिस्टन, दोनों भी साइड से सक्शन होगा, दोनों भी साइड से डिलीवरी होगा यहाँ पर, तो उसको बोलते हैं हम डबल एक्टिंग सिलेंडर, ठीक है। सो इस तरह से डबल एक्टिंग एयर कंप्रेसर रहता है और सिंगल एक्टिंग एयर कंप्रेसर यहाँ पर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू द प्रेशर लिमिट, अभी लिमिट के हिसाब से हम तो उसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि लो प्रेशर लिमिट रहेगा, ठीक है, देन मीडियम प्रेशर कंप्रेसर रहेगा, देन थर्ड वाला रहेगा हाई प्रेशर कंप्रेसर। सो लो प्रेशर हम किसको बोलते हैं, द कैपेसिटी ऑफ द लो प्रेशर कंप्रेसर लेस देन 10 bar, जिस कंप्रेसर का कैपेसिटी लेस देन 10 bar रहेगा हम उसको लो प्रेशर कंप्रेसर बोलते हैं। देन मीडियम प्रेशर कंप्रेसर किसको बोलते हैं, फाइनल डिलीवरी प्रेशर इज बिटवीन द 10 bar टू द 80 bar, ठीक है, कितना रहेगा 10 bar टू 80 bar तक अगर सपोज रहेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, मीडियम प्रेशर कंप्रेसर। तो इसका कैपेसिटी 10 bar से 80 bar रहेगा जिसको बोलेंगे हम मीडियम प्रेशर कंप्रेसर। देन नेक्स्ट वाला रहेगा हाई प्रेशर कंप्रेसर, तो हाई प्रेशर कंप्रेसर किसको बोलते हैं, फाइनल डिलीवरी प्रेशर इज मोर देन 80 bar, जिसका फाइनल डिलीवरी प्रेशर रहेगा आपका मोर देन 80 bar हम उसको बोलते हैं दैट इज द हाई प्रेशर कंप्रेसर, ठीक है। तो इस तरह से कंप्रेसर का हमारा क्लासिफिकेशन होगा। देन अकॉर्डिंग टू द प्रेशर राइज पर स्टेज, हर स्टेज में प्रेशर किस तरह से राइज होता है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर उसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वाला रहेगा प्रेशर राइज के हिसाब से अगर हम देखेंगे, सो प्रेशर राइजिंग के हिसाब से फर्स्ट वाला जो रहता है दैट कंप्रेसर इज नथिंग बट अ फैन, सेकेंड कंप्रेसर रहता है दैट इज द ब्लोअर, और थर्ड वाला रहता है कंप्रेसर, ठीक है। सो फैन का जो प्रेशर रेशियो रहता है, तो प्रेशर रेशियो कितना रहता है फैन का, 1:1.1 इसका प्रेशर रेशियो रहेगा। देन ब्लोअर का प्रेशर रेशियो रहता है यहाँ पर 1:1.1 to 4.0, और कंप्रेसर का रहता है प्रेशर रेशियो मोर देन 4। तो अकॉर्डिंग टू द प्रेशर राइज पर स्टेज इस तरह से हम इसको यहाँ पर क्लासिफाई करते हैं। सो दिस वे एयर कंप्रेसर गेट क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द प्रेशर राइज पर स्टेज। नेक्स्ट वाला अगर हम देखते हैं यहाँ पर, सो अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द कंप्रेसर, कंप्रेसर का जो कैपेसिटी रहेगा उसके हिसाब से हम यहाँ पर इसको
क्लासिफाई करते हैं। तो कौन कौन सा कैपेसिटी है? लो कैपेसिटी कंप्रेसर और मीडियम कैपेसिटी कंप्रेसर। सो लो कैपेसिटी कंप्रेसर किसको बोलेंगे हम यहाँ पर? सी, लो कैपेसिटी कंप्रेसर मतलब कंप्रेसर हैज द कैपेसिटी लेस देन 0.15 मीटर क्यूब पर सेकेंड। पर सेकेंड इसका इतना रहेगा यहाँ पर इनपुट, मतलब ये इनपुट रहेगा कैपेसिटी। कंप्रेसर हैज द कैपेसिटी लेस देन 0.15 मीटर क्यूब, मतलब हम वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो 0.15 मीटर क्यूब पर सेकेंड जिस कंप्रेसर का कैपेसिटी रहेगा हम उसको बोलेंगे लो कैपेसिटी कंप्रेसर, ठीक है। नाउ व्हाट इज द हाई मीडियम कैपेसिटी कंप्रेसर? मीडियम कैपेसिटी कंप्रेसर के अंदर कैपेसिटी फ्रॉम रेंजेस फ्रॉम 0.15 मीटर क्यूब पर सेकेंड टू द 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। इस तरह से ये रहेगा लो कैपेसिटी एंड द मीडियम कैपेसिटी कंप्रेसर। देन नेक्स्ट इसी के अंदर इसी का टाइप रहेगा हमारा हाई कैपेसिटी कंप्रेसर। सो अगर हाई कैपेसिटी कंप्रेसर आप देखोगे तो हाई कैपेसिटी कंप्रेसर के अंदर कैपेसिटी कितना रहेगा? मोर देन 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड से अगर ज़्यादा अगर उसका कैपेसिटी रहेगा कंप्रेसर का तो हम उसको बोलेंगे हाई कैपेसिटी कंप्रेसर, ठीक है। तो ये थे हमारे टाइप, ये थे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर के ये क्लासिफिकेशन थे हमारे, ठीक है। देन एयर कंप्रेसर के क्लासिफिकेशन के बाद में हम देखेंगे यहाँ पर कि उसके इसके अंदर की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है वो आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। नाउ सी एयर कंप्रेसर टर्मिनोलॉजीज। सो अभी हम लर्न करें एयर कंप्रेसर टर्मिनोलॉजीज। सो एयर कंप्रेसर टर्मिनोलॉजीज के अंदर फर्स्ट वाला टर्मिनोलॉजी हमारा कैपेसिटी ऑफ द कंप्रेसर। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंप्रेसर? रीड द डेफिनेशन। इट इज द क्वांटिटी ऑफ एयर ऑब्लिक वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर पर यूनिट, ठीक है। इट इज द क्वांटिटी ऑफ एयर डिलीवर्ड, क्या बोल रहा है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ एयर डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर पर यूनिट। कंप्रेसर ने कितने क्वांटिटी में एयर को डिलीवर्ड किया है, ठीक है, कितनी देर में? पर मिनट, मीटर क्यूब पर मिनट में, ठीक है। एक मिनट में कंप्रेसर ने कितने अमाउंट में हमारा जो एयर रहेगा उसको डिलीवर्ड किया है उसको बोलते हैं हम कैपेसिटी ऑफ द कंप्रेसर। समझ में आइए, कैपेसिटी ऑफ द कंप्रेसर मतलब इट इज द क्वांटिटी ऑफ एयर डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर। कितने क्वांटिटी में कंप्रेसर ने एयर को डिलीवर्ड किया है पर यूनिट। पर यूनिट क्या रहेगा? मीटर क्यूब पर मिनट। एक मिनट के अंदर कितना क्वांटिटी में एयर डिलीवर्ड हुआ है उसको बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ द कंप्रेसर। नेक्स्ट वाला डेफिनेशन हमारे पास में इनटेक प्रेशर। इनटेक प्रेशर का डेफिनेशन पढ़ो। दिस इज इनटेक प्रेशर। इट इज द प्रेशर एट विच द एयर एंटरिंग इन द सिलेंडर। कहां पर एयर एंटर हो रही? सिलेंडर के अंदर, उसको हम बोलते हैं इनटेक प्रेशर। सक्शन स्टार्ट होने के बाद में क्या होगा? पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी ट्रैवल होगा। That time air will be sucked. Air sucked होगी सिलेंडर के अंदर। So जितने प्रेशर में एयर सक हो रही है उसको बोलते हैं हम इनटेक प्रेशर। उसको क्या बोलेंगे हम? इनटेक प्रेशर। बहुत ईजी है ये। नेक्स्ट रहेगा हमारा डिस्चार्ज प्रेशर। इट इज द प्रेशर एट विच द एयर डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर। डिस्चार्ज प्रेशर मतलब इट इज द प्रेशर एट विच एयर डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर। कंप्रेसर ने एयर को डिलीवर्ड किया, कितने प्रेशर में डिलीवर्ड किया? दैट इज द डिस्चार्ज प्रेशर। उसको क्या बोलेंगे हम? दैट विल बी द डिस्चार्ज प्रेशर। नेक्स्ट वाला डेफिनेशन है हमारा कंप्रेशन रेशियो, या फिर उसको हम प्रेशर रेशियो के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ सी व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो या तो फिर प्रेशर रेशियो। इट इज द प्रेशर रेशियो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिलीवरी प्रेशर टू द सक्शन प्रेशर। सी हमने डिलीवरी प्रेशर देखा, सक्शन प्रेशर देखा। सो इट इज द रेशियो डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ डिलीवरी प्रेशर टू द सक्शन प्रेशर। डिलीवरी प्रेशर को हम सक्शन प्रेशर से यहाँ पर क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। दैट विल बी योर कंप्रेशन रेशियो, और उसी को हम प्रेशर रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। सो डिलीवरी प्रेशर को आप डिवाइड करो सक्शन प्रेशर से, जिसको हम इनटेक प्रेशर भी बोलते हैं। सो दैट इज नथिंग बट द कंप्रेशन रेशियो, उसको हम कंप्रेशन रेशियो बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है, कंप्रेशन रेशियो ऑफ ए कंप्रेसर। नाउ फ्री एयर डिलीवर्ड। फ्री एयर डिलीवर्ड देखो क्या रहता है। इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर। सी इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड अंडर द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एग्जिस्टिंग एट अ कॉम्प्रेसर इनटेक। कॉम्प्रेसर इनटेक के पास में जो एयर हमारी सक हुई है, ठीक है, एट कौन से प्रेशर पर? 1.013 बार एंड टेम्परेचर उसका कितना होना चाहिए? 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। उसको हम बोलेंगे फ्री एयर डिलीवर्ड। फ्री एयर डिलीवर्ड को मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि कंप्रेसर ने एयर को डिलीवर्ड किया एट टेम्परेचर 1.013 बार एंड प्रेशर टेम्परेचर एट 15 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल प्रेशर और टेम्परेचर पे अगर कोई एयर कंप्रेसर अगर एयर को डिलीवर्ड कर रहा है
उसको बोलते हैं हम फ्री एयर डिलीवर्ड, ठीक है, ये उसका डेफिनेशन है। इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड अंडर द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एग्जिस्टिंग एट अ कंप्रेसर इनटेक। कंप्रेसर इनटेक के पास में जो प्रेशर था, ठीक है, उसी प्रेशर के ऊपर इसने क्या किया, एयर डिलीवर्ड किया कंप्रेसर ने। तो प्रेशर क्या रहेगा एट द इनटेक, 0.13 बार प्रेशर रहेगा और टेम्परेचर कितना रहेगा, 15 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर रहेगा, उसको बोलेंगे हम फ्री एयर डिलीवर्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्री एयर डिलीवर्ड। देन नेक्स्ट वाला है हमारे पास में, नेक्स्ट हाई कैपेसिटी, सॉरी यहां पर जस्ट वन मिनट, हाँ कंप्रेशन में फ्री एयर डिलीवर्ड हो गया हमारा। देन इसके बाद में रहेगा हमारा नेक्स्ट एयर टर्मिनोलॉजीज के अंदर स्वेप्ट वॉल्यूम, सिक्स नंबर का जो टर्मिनोलॉजी हमारा दैट इज द स्वेप्ट वॉल्यूम। सो सी व्हाट इज मीन बाय स्वेप्ट वॉल्यूम, ऑलरेडी हमने स्वेप्ट वॉल्यूम देखा है, काय का देखा है ऑलरेडी, स्वेप्ट वॉल्यूम हमने आईसी इंजन का देखा है। बट नाउ व्हाट इज द स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ ए कंप्रेसर, कंप्रेसर का स्वेप्ट वॉल्यूम के ऊपर भी आपको ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं। देखो बहुत सिंपल है, इट इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक के अंदर कितने वॉल्यूम की एयर अंदर सक हुई है उसको बोलती है हम स्वेट वॉल्यूम। ठीक है, कंप्रेशन जो हमारा सक्शन स्ट्रोक रहेगा, सक्शन स्ट्रोक के अंदर पिस्टन हमारा टीडीसी से बीडीसी पे ट्रैवल हुआ, उस टाइम जितने वॉल्यूम के अंदर एक्चुअल वॉल्यूम जितना सिलेंडर ने सक किया है, ठीक है, पिस्टन ने सक किया है उसको बोलते हैं हम दैट इज नथिंग बट द स्वेट वॉल्यूम, उसको हम स्वेट वॉल्यूम बोलेंगे। इट इज एक्सप्रेस्ड, काय में एक्सप्रेस करते हैं हम इसको, मीटर क्यूब में इसको एक्सप्रेस करेंगे। स्वेट वॉल्यूम व्हेन एक्सप्रेस इन अ मीटर क्यूब पर मिनट, मीटर क्यूब पर मिनट में जब उसको एक्सप्रेस करेंगे हमें, इट इज नोन एज द पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। हम उसको क्या बोलते हैं, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट भी उसको बोल सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, नाउ इट इज डिनोटेड बाय वी एस, स्वेट वॉल्यूम है, एस फॉर स्वेप, वी फॉर वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, पाई बाय 4 डी स्क्वेयर। ये क्या है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, सिलेंडर का यहाँ पर एरिया बताया है। ठीक है, देन सिलेंडर का एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर इनटू एल, एल से अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उसका लेंथ से टोटल मल्टीप्लाई करेंगे अब सिलेंडर के लेंथ से, तो आपका वॉल्यूम बन जाएगा। ठीक है, सो इट इज नथिंग बट द स्वेट वॉल्यूम। तो ये हो गया आपका स्वेट वॉल्यूम, समझ में आया स्वेट वॉल्यूम क्या है, इट इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इन ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक के अंदर कितना अमाउंट में वॉल्यूम सक किया है पिस्टन ने उसको बोलेंगे हम स्वेप्ट वॉल्यूम। इट इज मेजर्ड इन अ मीटर क्यूब, मीटर क्यूब में उसको मेजर करेंगे। इफ द स्वेप्ट वॉल्यूम मेजर्ड इन अ मीटर क्यूब पर मिनट, अगर उसको मेजर करते हैं हम, इट कैन बी ऑल्सो नोन एज ए पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। हम उसको पिस्टन डिस्प्लेसमेंट के नाम से भी बोल सकते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर वी एस इज इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वेयर, ये क्या है आपका एरिया, और एल, एल क्या है उसका लेंथ है टोटल। ठीक है, सो एरिया को लेंथ के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द वॉल्यूम, यहाँ पर आपको वॉल्यूम मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, सो इट इज नथिंग बट द स्वेप्ट वॉल्यूम, वेयर डी इज द क्या रहेगा, डी इज द सिलेंडर बोर रहेगा और एल क्या रहेगा स्ट्रोक लेंथ रहेगा। आपको ऑलरेडी पता है सिलेंडर बोर क्या रहता है और सिलेंडर का स्ट्रोक क्या रहता है। ठीक है, सो ये हो गया हमारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ एयर कॉम्प्रेसर।